हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मस्कारा। ऑल दो मस्कारा जो है एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड प्रोडक्ट है इन मेकअप प्रोडक्ट्स। पीपल प्रेफर टू यूज़ लाइनर एंड लिपस्टिक, कुछ भी हो उनके वैनिटी में लाइनर लिपस्टिक काजल होता ही है, बट मस्कारा नहीं होता है। बट फॉर मी इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक बार के लिए मैं लाइनर लगाना भूल जाऊँ बट आई कैन नेवर फॉरगेट अप्लाई मस्कारा। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ हाउ टू अप्लाई मस्कारा, प्लस मैं आज इस मस्कारा का रिव्यू भी करने वाली हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी टू इन वन वीडियो। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से बहुत ही अच्छे से मस्कारा लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगाते वक्त क्या होता है ना, इधर उधर फैल जाता है, उसके बाद कितने भी कोट्स लगा लेते हैं वो बहुत अच्छे से वो लुक नहीं आता है। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होने वाली है जिनको कि फॉल्स आईलैशेस नहीं लगाना पसंद है, लाइक मी। आई डोंट प्रेफर टू यूज़ देम, इट्स माई पर्सनल चॉइस। मे बी आप लोगों को अच्छा लगता होगा बट स्टिल आई डोंट लाइक। सो मेरे लिए मस्कारा इज़ वेरी वेरी यूजफुल, इट रियली एड्स अ ड्रामा टू योर आईज। इसको लगाने के बाद आपकी आँखें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं, जो कि सिर्फ लाइनर लगा कर नहीं लगती। अगर आप मस्कारा लगाओ लाइनर के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। So yeah, without any blabbering, just move on to the video. And also, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe my channel, like this video, and also share with your friends if you like it. So yeah, without further ado, let's move on to the video. ओके गाइस, सो दिस इज़ अ मेबिलीन टोटल टेम्पटेशन मस्कारा। तो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। तो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्लीक लगी है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही हैंडी है। सेकेंडली ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और बहुत लाइट वेट है। एंड जब भी आप इसे ट्रैवल कर रहे हो और साथ लेकर जा रहे हो तो ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि इसका जो लॉक है आप बहुत अच्छे से लगाओ, वरना ये सूख जाएंगे और वेस्ट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट अ वाटरप्रूफ मस्कारा। इसके पहले मैंने वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ किया है और जब उसे हम हटाते हैं मेकअप हटाते वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक वो हटने में उसे बहुत ज़्यादा इशू होता है। इस बार मैंने ऐसा मस्कारा मंगाया है जो कि वाटरप्रूफ ना हो ताकि मुझे हटाने में ईजी रहे। एंड यस, जब भी आप कोई मस्कारा परचेज कर रहे हो या फिर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट, ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, बिकॉज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि मस्कारा जो है वो उसकी लाइफ जो होती है 6-7 months ही होती है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इट्स योर ड्यूटी टू चेक इट ताकि आपको कोई इशू ना हो और आपके पैसे वेस्ट ना हो और आप उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें। ओके गाइस, सो जब आप इसे ओपन कर रहे हो तो इसका ब्रश कुछ इस तरीके से है, बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस ब्रश से अप्लाई करने में आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है, वेदर चाहे आप इसको अपर आई लैशेज में अप्लाई करो या लोअर आई लैशेज में, बहुत ही ईजिली आप अप्लाई कर पाओगे बिकॉज इट्स रियली हैंडी। आई हैव यूज्ड इट और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है टू यूज़। ऑल्सो अगर आप में से किसी को भी ये मस्कारा चाहिए हो देन आई विल लीव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक और वहाँ से आप अपने लिए मंगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि हाउ टू अप्लाई इट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मस्कारा अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे करना है इसको ईजिली। तो सबसे पहले जब आप मस्कारा को ओपन करते हो तो जो भी ये ब्रश जब आप लोगे ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है इसमें। ब्रश को इसके कंटेनर में ही ऐसे करके ना आपको साफ कर लेना, लाइक एक्स्ट्रा जो भी होगा वो उसी में रह जाए। ताकि मैंने ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इसका निकाल दिया है ताकि मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर सकूँ और बहुत ज़्यादा मैसी ना हो मेरे लैशेज। सो टू ऐड अ प्रॉपर इफेक्ट ऑन योर आई मस्कारा का, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे अप्लाई करना है। आपके जो लैशेज हैं वो थोड़े अलग अलग हो जाएं और कुछ अगर एक्स्ट्रा हो भी लैशेज में तो वो अच्छे से निकल जाए। यूजुअली हम ऐसे करते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप है हमारा कि इसे ऊपर से अप्लाई करना है, नीचे से नहीं। उससे क्या होगा, लैशेज और क्लियर हो जाएंगे अपने आप में और वो अलग अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, विगल मोशन में ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना, स्वाइप अप काइंड ऑफ, और इसे आपको विगल मोशन में ही रखना है। विगल मोशन हमें इसलिए करना है क्योंकि विगल मोशन करने से क्या होता है कि आपके एक एक लैशेज में, एक एक आई लैशेज हैं उनमें बहुत अच्छे से मस्कारा अप्लाई होता है इवनली, अदरवाइज कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो ऑलवेज अप्लाई इन अ विगल मोशन। और अब इसे मैं लोअर आई लैशेज पर लगाने वाली हूँ। इसके लिए मैं एक अलग सा कोट नहीं लूँगी मस्कारा से,
वो इसलिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना है कि वो इजिली आपके लोअर आईलैशेस में अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसका एक कोट और लोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होगा और हमारी लोअर आईलैशेस बहुत कम होती हैं। तो ऊपर लगाने के बाद जो भी प्रोडक्ट इसमें बचता है उसी को हम यूज़ करेंगे लोअर आईलैशेस में लगाने के लिए। अब हमें क्या करना है, यूजुअली क्या करते हैं ना, जब लोअर आईलैशेस पे लगाते हैं तो हम नीचे की तरफ देखते हैं, और वो नीचे की तरफ देखते हैं तो वो ऊपर के आईलैशेस से टच होता है, वो नीचे भी फैलता है और ऊपर भी ख़राब होता है। तो हमेशा कीप इन माइंड कि जब भी आप इसे लगा रहे हो तो हमेशा ऊपर की तरफ देखना है, हमें नीचे नहीं देखना है, ताकि वो हमारी अपर लैशेज और लोअर लैशेज टच ना हो और वो बहुत ज़्यादा मेसी ना हो। गाइज लुक एट बोथ द आईज, कितना डिफरेंस है दोनों आँखों में, ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक और सिंपल सा लग रहा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन माई लेफ्ट आई टू। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक आफ्टर अप्लाइंग मस्कारा, एंड यू कैन टोटली सी द डिफरेंस मस्कारा लगाने से पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ क्लोजर लुक। हाउ ब्यूटिफुल दे आर लुकिंग, मस्कारा लगाने के बाद ये कितने ज़्यादा इन्हेंस हो गए हैं और बड़ी भी दिखने लगती हैं और बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है। आई टोटली लव अप्लाइंग मस्कारा, आई टोटली लव इट। ओके गाइज, सो दिस वॉज माई वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू अप्लाई मस्कारा। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के बाद आप कभी भी मस्कारा अप्लाई करना नहीं भूलोगे, आई नो दैट बिकॉज इट्स सो गुड। अगर भूल भी जाओगे तो मुझे याद कर लेना, तो नहीं भूलोगे। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, और डू कम बैक टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। एंड तब तक के लिए नमस्ते।